Hello guys, so next problem is the angles of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. So, इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि जो एंगल है वो एलिवेशन का ना होगा कि डिप्रेशन बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो एलिवेशन एंगल वो होते हैं जो कि हम नीचे से ऊपर देखते हुए बनाते हैं, बट डिप्रेशन वो होते हैं जो ऊपर से नीचे देखते हुए बनाते हैं, राइट. तो यहाँ पर हमको टू बिल्डिंग के लिए बात करने के लिए बोल रहा है, जिसमें एक तो हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो मैं पहले उसको बना देती हूँ. एंड जो सेकेंड बिल्डिंग हमारी है वो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, जैसा कि उसमें मेंशन है. तो हमने यहाँ पे एक और बिल्डिंग इसको ये बना दिया, ठीक है. इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है. अब देखिए उसमें क्या बोला गया है कि जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, इट मींस जो भी एंगल बनाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऊपर बनाएगा. बट इसमें क्या बोला गया है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो ये हमारा 8 मीटर को ये टॉल बिल्डिंग हो गया और ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग का हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया. तो ये ए एंड बी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका मल्टी स्टोर बिल्डिंग होगा और ये जो हमारा है वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है. अब इसने बोला है कि जो इसने एंगल बनाए हैं वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम दी टॉप, मतलब इस टॉप से बना रहे हैं और इसके टॉप पर बना रहे हैं. क्या क्या बना रहा है, 30 एंड 45. इट मीन्स जो भी बन रहे हैं वो यहां से यहां पे बनेगा और कहां बनेगा वो देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने यहां पर इसके टॉप पर जाकर के दो एंगल को क्रिएट करना है. वो हम कैसे करेंगे अभी समझते हैं. और हमें हाइट क्या फाइंड करनी है, इसकी हाइट को फाइंड करना है एंड इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो देखिए यहां पर दो एंगल जो बन रहे हैं वो है 30 एंड 45. एंड 30 एंड 45 कहां बना रहा है, देखिए जरा इसको समझिएगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, जो टॉप और बॉटम दोनों बना रहा है यहां से, इट मीन्स टॉप पे बनाएगा एंड बॉटम पे बनाएगा. तो इन दोनों पर हमारा एंगल बनेगा 30 एंड 45 का. सो हम पहले इसको क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पर एक एंगल बनाएगा टॉप पर, जो भी इसमें मेंशन है हमें वैसे ही वैसे बनाते जाना है और हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है. अब देखिएगा ये लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है, इसी को हम आगे जाकर के इसके पैरेलल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. तो मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ भी एंगल मेंशन कर देते हैं. इट इज 30 एंड इट विल बी 45 डिग्री. सो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये आपका 8 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, इट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा वो भी 8 का हो जाएगा. तो ये वाला जो पार्ट है वो भी 8 मीटर का हो जाएगा एंड हमने इस वाले पार्ट को h एज्यूम कर लेना है, ठीक है. इसको हम x ले लेते हैं, जो डिस्टेंस है उसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं. जब ये भी x है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी x होगा. अब देखिए अब समझने का ये है कि हमें पता है कि हमने डिप्रेशन के एंगल लेते हुए इसको 30 एंड 45 ऊपर लिया हुआ है, ठीक है. बट ऐसे करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको ये जो एंगल है वो नीचे लोकेट करने होंगे. उसको करने का वे क्या है मैं आपको वो समझाती हूँ. हम लोगों ने इस टाइप का कुछ एंगल पढ़ रखा है कि कोई ये पैरेलल लाइन है जहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन हम ऐसे डाल देते हैं, तो ये वाला जो ऑर्डर्ड एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, हमने इस टाइप से पढ़ा हुआ है. अब देखिए हमारा एक और तरीका होता है, हम पे जेड बनाना क्रिएट करना शुरू करते हैं इसमें. तो जेड जो हम बनाते हैं तो वो जो एंगल होता है यहाँ पर वो उसके ऑल्टरनेट हो सकता है. ये भी एक अच्छा तरीका है समझने के लिए. तो हम पहले ऊपर एक जेड बनाने का क्रिएट करते हैं. देखिए एक जेड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो यहाँ पर जो एंगल 30 बन रहा है, इट मीन्स ये वाला एंगल 30 यहां से हो जाएगा, ठीक है. अब हम एक और क्रिएट करते हैं क्योंकि हमको इसको ही बनाना है. तो हमने एक जेड बनाने का यहां से एफर्ट किया, देखिए ये भी एक जेड बन गया. इट मींस ये वाला जो 45 का ये जो एंगल है वो यहां पर 45 डिग्री का हो जाएगा. अब आपको पता है इसको आपको कैसे सॉल्व करना है. देखिए एक ट्रायंगल हमारा ये वाला क्रिएट हो गया. हमको ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना होता है, तो ये मिल गया हमको यहां से और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, राइट. सो ए वी सी डी ई हम इसको पॉइंट्स दे देते हैं. अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो हमें पहले क्या करना है, हमें एक तो जब फाइंड करना है हम इसको साइड से लिख लेते हैं. हमें सॉल्यूशन में क्या लेना है, एक तो हमको ए वी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसकी हाइट है और हमको सी वी वैल्यू फाइंड करना है जो कि इसका डिस्टेंस है, राइट.
दोनों चीज को हम लिख देते हैं, मैं प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें मेंशन नहीं करती हूँ कैसे करना होता है। अब देखिए, अब इसको हम करना शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए डी ई, सो हमने इसमें ढूंढना होता है कि इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें कौन सा रेशियो यूज करना है। सो आप देख रहे हैं कि एडी में आपके पास एच है एंड एक्स है, दोनों ही आपको यूज करना है। सो हम पी वी पी ओवर एच एच वी वाले फॉर्म से देखते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर एंड विज दोनों है, इट मीन्स अगर हम टेन एंड कॉट का यूज करें तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम इसको यूज करते हैं, टेन 30 डिग्री इक्वल एच ओवर एक्स, या फिर लिख सकते थे ए ई ओवर डी, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया एच ओवर एक्स इसकी वैल्यू है। सो टेन 30 इज 1/√3, सो 1/√3 इक्वल एच ओवर एक्स, सो यू कैन राइट एक्स इक्वल h√3, यहां से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के लिए। सो इन ट्रायंगल ए सी वी पर हमारा एंगल इसको हम बीच में ले लेंगे, एंड नाउ इट इज 10 45 डिग्री, सो 10 45 डिग्री इक्वल सी, इट इज एच एंड इट इज 8, सो इट विल बी h+8 ओवर x, राइट। देखिए ये हमारा फॉर्म हमने h में लिया, तो ऑब्वियसली हम x की वैल्यू को h में ही ले दें तो हमारी h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो हमने यहाँ पे इसको 1 लिखा, 10 45 इज 1, सो 1 इक्वल h+8 ओवर h√3, राइट। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी h√3 इक्वल h+8, सो h√3 माइनस h इक्वल 8, सो h को हम कॉमन लेते हैं यहां से, सो √3 - 1 = 8। अब देखिए हमको यहां से h की वैल्यू को फाइंड करना है, सो आप लिख सकते हो इसको h इक्वल 8/√3 - 1, बट आपका आंसर यहां पर नहीं आएगा जस्ट बिकॉज हम कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हमको यहां पर रेशनलाइज करना होगा इसके अपोजिट सिंबल से। तो हमने किया √3 + 1 √3 + 1, इसमें हम इंटू करते हैं तो 8√3 + 1 ओवर, इट विल बी a - v a + v, सो a² - v² 3 - 1, सो नाउ a√3 + 1 ओवर 2, सो इट विल बी कैंसिल विद 2, सो फाइनली यू विल गेट h = 4√3 + 1 मीटर। तो इस टाइप से आप इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हमको फाइंड करना है इसकी दोनों बिल्डिंग के जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, जो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है x = h√3, अगर हम h की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो हम इसमें पुट कर दें तो आपको x मिल सकता है। तो मैं यहीं पे इसको देखकर बताते हैं वो कैसे सॉल्व करना है। सो इट विल बी h हमने फाइंड किया 4√3 + 1, और इसकी वैल्यू साथ में क्या है √3, तो हमें √3 का इसमें इंटू कर देते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 4, इसके अंदर इंटू करते हैं तो √3 × √3 इज 3, सो 3 + √3 x = तो आपका यहां से डिस्टेंस फाइंड हुआ दोनों बिल्डिंग का वो इतना हो गया। अब देखिए जैसा कि हमें प्रॉब्लम में पूछा गया है कि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है, तो हाइट को फाइंड करने का मतलब है कि इस पूरी हाइट को फाइंड करना है, तो हमने h की वैल्यू को फाइंड कर दिया बट हमको उसमें +8 ऐड करना होगा तब जाके हमारी पूरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड होगी, और x हमने यहां से फाइंड कर दिया। तो फाइनल स्टेटमेंट जो हमको इस प्रॉब्लम में लिखना होगा वो मैसे लिख देंगे, सो दी हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग इज 4√3 + 8 मीटर, जो कि हमको इसमें इसकी हाइट में इन्वॉल्व करना होगा, एंड दी डिस्टेंस बिटवीन दी टू बिल्डिंग इज 4√3 + √3 मीटर। इस स्टेप से पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद हमको इस प्रॉब्लम को फिनिश करना होगा। ओके,